एवरी वन, वेलकम टू आर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास सिक्स की साइंस की वर्कशीट नंबर 5, जो कि आपकी डेट 20 जुलाई की है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट पढ़ेंगे हम। लेट अस सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ए प्लांट हैज़ क्या क्या होता है भाई? रूट होता है, स्टेम, फ्लावर एंड लीव्स। रूट्स आर फाउंड अंडर द अर्थ। जो रूट होती हैं, जड़ जो होती हैं, वो ज़मीन के नीचे होती हैं। स्टेम इज़ ग्रीनर। जो स्टेम होती है, तना जो होता है, ग्रीन होता है, बट समटाइम इट इज़ ब्राउन, पर कभी कभी ब्राउन भी दिखता है ये। ऑन विच लीव्स आर फाउंड विच आर ग्रीन इन कलर। तो लीव्स जो होती है वो ग्रीन कलर की होती हैं। फ्लावर्स आर कलर्ड एंड मोस्टली हैव सेंट, यानी कि जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं और खुशबूदार होते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लांट विच कीप्स ए प्लांट अलाइव एंड हेल्दी। तो ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है, ये आपकी रूट्स हैं, स्टैम्प है, ये आपका फ्रूट है, लीव है और ये फ्लावर। अब आपको सबके फंक्शन लिखने हैं, काम लिखने हैं। स्टैम्प क्या काम करता है, करती है, रूट का, लीव का और फ्लावर का। तो चलिए हम इनका देख लेते हैं फंक्शन क्या है। ये देखिए जो स्टैम्प है, स्टैम्प का काम क्या है? हेल्प इन कंडक्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। तो जो मिनरल और वाटर होता है उसके कंडक्शन में हेल्प करती है, पौधे के जितने भी पार्ट्स हैं सब में पहुंचाती है। सपोर्ट द लीव, लीव जो है उसको, पत्तियों को सपोर्ट करती है। रूट का क्या काम है? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। तो मिट्टी के अंदर जो भी आपके मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने में रूट हेल्प करती है। एनकरेज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बढ़ने में भी हेल्प करती है। लीफ यानी कि पत्तियों का क्या काम है भाई? लीफ प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, खाना बनाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करती है। ट्रांसपिरेशन जो पौधों की पत्तियों पे आपने देखा होगा ना, डॉट 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 पानी के जो नज़र आते हैं वो। फ्लावर का क्या काम है? रिप्रोडक्शन और पॉलिनेशन। रिप्रोडक्शन मतलब फ्लावर की वजह से दूसरा प्लांट आता है, ठीक है, और पॉलिनेशन भी उसी के लिए होता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए। तो ये फ्लावर हेल्प करता है। यही थी छोटी सी वर्कशीट, आपकी फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।